अब कॉमेडी का स्टाइल बॉडी लैंग्वेज हो गई है, डायलॉग नहीं रहा अब वो नहीं। इन लोगों ने क्रिएट किए हैं डायलॉग और अजीब फजूल फजूल से जुमले अब अजीब माना वो बल्गर है। हाँ, उस जमाने में साफ सुथरे होते थे। हाँ, अब देख ले एक सीन में भी जो है ना। जी बिल्कुल। एस सुलेमान साहब के साथ बड़ी फिलेशन रही सर की और उन्होंने एक हम इनके लिए मैसेज भेजा है, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे भाई ने वो लैंडमार्क छोड़े हैं जो मैं कहता हूँ कि जिनको अगर फॉलो कर सके कोई तो बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक लहरी भाई की अजमत और मकाम का ताल्लुक है, मेरे पास कोई पैमाना नहीं है जिसमें उसका मैं तायुन कर सकूँ। मेरी नज़र में वो उन तमाम पैमानों से बहुत बुलंद है और जो उन्हें किसी पैमाने में बंद करने की कोशिश करे, मैं ये कहूँगा वो उनके साथ ज्यादती कर रहा है। लहरी साहब इज ग्रेट, नॉट ओनली ग्रेट, ग्रेटेस्ट। थैंक यू सो मच। बाकी कोई पैमाना? बहुत खूबसूरत बात की, फन का समंदर जो है ना, मैं इनको कहना चाहूंगी। एक और छोटा सा मैसेज है, वो भी दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो मेरा सलाम कबूल कीजिए और मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मैं सब कॉन्टिनेंटल के एक बहुत बड़े इंटरटेनर के लिए कुछ कह रहा हूँ, जो कि मेरी हैसियत से बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि लहरी भाई आप जैसे फनकार सदियों में पैदा होते हैं, होते तो हैं, हम इससे इनकार नहीं कर सकते क्योंकि ये खुदा की, मेरे रब की, अल्लाह की ताकत है कि वो बेहतर से बेहतर इंसान बना सकता है। वो आपसे बेहतर बनाएगा, मुझसे बेहतर बनाएगा, मगर आप अपनी मिसाल आप हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बात उन्होंने बोली। अच्छा, आप लोगों ने, मैं अब ये लहरी साहब से भी बात करी, जो एक लाइनर वो लगाती थी ना पुरानी, मुझे याद है दीबा बेगम का एक, वो इतना वो खिंचा हुआ और क्या खूबसूरत इनकी आँख होती थी। आज मैंने कोशिश वैसे वही वाले की है। मेकअप आर्टिस्ट कौन होते थे उस टाइम पे, मतलब खुद करते थे मेकअप या फिर प्रॉपर मेकअप खुद ही करते थे हम लोग? वो जो लाइनर खींच के खुद ही लगा लेते थे आराम से, और मोम से मस्कारे भी आते जला के और उसको फिर गरम कर कर के मोम का मस्कारा पुराना ना है ना, पलके टूट जाती थी। लहरी साहब ये बताएं कि ये जब खवातीन तैयार होके सेट पर आती थी तो फिर कैसा कैसा फील होता था सब हीरोज को? हूरे लगते थे। वाह, क्या खूबसूरत लफ्ज है ना, बिजलियां गिरती होंगी क्योंकि माशाल्लाह इनकी खूबसूरत और हाइट सारी हीरोइनों की और खूब नेचुरल ब्यूटीज थी, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था। अब तो मेकअप इतने ज्यादा हो गए हैं, इतनी चीजें इस्तेमाल करते हैं। पहले तो आई थिंक बेसिक आप चीजें यूज करते होंगे बहुत कम, डेढ़ घंटा लग जाता था उसको जमाने के लिए। लहरी साहब की कोई ऐसी शरारत जो आपको याद होती है? एक हो तो बंदा बोले आपको इस बारे में याद आ रही है। मैं जैसे अर्ज किया कि मैं काम कम किया है, लेकिन स्टूडियो में तो बहरहाल जी ऑलमोस्ट मिलना जुलना रहता था। जिस सेट पे मरहूम वहीद मुराद, लहरी साहब, नदीम या अली भाई, ये लोग होते थे ना, वो तूफान आया होता था। तो बस हंस रहे होते थे, शरारते तो अच्छा माहौल होता था और एक से एक बढ़ के काम करने आए। अभी जैसे ब्रेक में दीपा भाई बताई थी कि हमारा दिल ही नहीं करता था घर जाने का। हाँ, सही बात है, है ना, कि मतलब वहीं बैठना मजा आ रहा है, वहीं खा रहे हैं, वहीं बैठ रहे हैं, क्यों खत्म हो गया। सुनो टुकड़ा मैं आपको सुना देता हूं जी, आप जो कह रही हैं जी जी जी। एक घर है, उसमें एक मैं हूँ, एक मेरी बीवी है, एक मेरे खूबसूरत शादी हैं, एक उनके शौहर हैं, चारों के चश्मे बनने गए हैं। अब मैं घर में अकेला हूँ, नौकर से खाना मांगा, उसका कि आपको खाना नहीं मैं दे सकता, आप दूसरों की प्लेट की बोटियाँ खा जाते हैं। तो बीवी बोली कि आप, मैं रोटी पका के रखी थी, प्याला लेते सड़क के उस वक्त तंदूर है, जाके खाना ले आते, सालन ले आते। बोले मैं बड़ी मुश्किल से प्याला ढूंढा,
सड़क के आ सके तंदूर पर पहुँचा। सालन ख़त्म हो गया था, जब वापस आ रहा था तो घर आ गया। जब घर आ रहा तो पहले में कोई 2.5 रुपए की रेजगारी पड़ गई। बोरी आए है तो 2-4 फेरे और लगा दिए उसे। शाम की हांडी है हो जाती। मैंने कहा कि भाई मांगने वालों को पुलिस पकड़ती फिर रही है। बोली हाँ जाइएगा, नहीं प्याला लेके अब मांगने वालों को पुलिस पकड़ती फिर रही है। मैंने कहा पागल हो गई है, कभी मांगने वाले ने भी मांगने वाले को पकड़ा? बहुत शुक्रिया लहरी साहब। वक्त कैसे ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी से चला गया। और बहुत शुक्रिया बहार बेगम, आप तशरीफ़ लाएँ। बेबा बेगम बहुत शुक्रिया आपका, और संगीता आप बहुत बहुत शुक्रिया। वी लव यू। आप अल्लाह आपको सेहत अता फरमाएँ, खुशियाँ अता फरमाएँ। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगी कि मैं हम वालों को बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि कम अज़ कम इन्होंने रियलाइज़ किया कि जाने से पहले एक ट्रिब्यूट पेश कर दें, वरना हमेशा हमारे पास आ जाती हैं जी वो चले गए हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगी। आप लोगों ने बुलाया, हम लोगों का फर्ज बनाया आने का। बहुत शुक्रिया आपका आने का, थैंक यू सो मच लहरी साहब। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। आमीन। वो ये है कि सब चैनल बुला रहे हैं, मैं सोचा यार ऐसा तो नहीं है कि मेरी रुखसती हो रही है। बहुत शुक्रिया जी। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा। मेरा तो मैं कितनी जितने अच्छे से मैं शो कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी का बेस्ट शो ये रहा। आपको इंशाल्लाह मंडे को मिलूंगी। हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा लहरी साहब को देख के, सारी हमारी क्वींस जो हैं इंडस्ट्री की उनसे मिल के किस तरह से लगा। आप ज़रूर ईमेल कीजिएगा, एसएमएस कीजिएगा। आई सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। अल्लाह हाफ़िज़।